शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। डॉक्टर जैन ने दावा किया कि अभी तक चिकित्सा विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का इलाज नहीं है और ये प्रॉब्लम है। मैं गया था भर्ती देने, तब वहाँ पे मेरे को निकाला, बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। एयरफोर्स में हुआ बेटा, उसके पहले कोई परीक्षा दी थी क्या आपने? इसके पहले सर नेवी की दी थी, इंडियन नेवी की। हाँ, तो उसमें भी सर ट्रेनिंग टाइम पे एक और मेडिकल हुआ था, उसमें मुझे अनफिट कर दिया। काय के लिए अनफिट करा था? कलर 8926। तो लेकिन जो दूसरे कलर डक्शन है, रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। तो इसका कहीं इलाज कराया आपने? और आपने नेट वगैरह पे सर्च करा कुछ? सर नेट पे सर्च किया था तो पतंजलि बताया था उन्होंने। अच्छा, उसके अलावा कुछ? उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं। परेशानी है आपको? कलर विजन। एयरफोर्स में जाना? बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन पतंजलि वाले बोलते हैं हो सकता है। पर साल भर आपने भैया आपने ली, उससे आपको कोई फायदा नहीं? It's a problem that can't be cured. Why have you got it? Life. घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मुख्य कारण चलाने वाले व्यक्ति को लाल और हरी लाइट दिखाई ही ना पड़ती हो या समझ में नहीं आती हो। करोड़ों की अर्थ हानि तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो परिजन सदा सदा के लिए बिछुड़ जाए, क्या क्या उसकी भरपाई हो सकती है? किसी परिवार या जवान पुत्र पुत्री की अकाल मृत्यु नहीं, सुनकर ही रूह कांप उठती है, दिल तहल उठता है। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे भारत देश में सही गणना नहीं है, क्योंकि विश्व के दूसरे देशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पूर्व कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता के लिए टेस्ट किया जाता है। और जिन लोगों कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता है, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। हमारे यहां आप सभी जानते हैं, लाइसेंस बनवाने के पूर्व ऐसा कोई टेस्ट या कोई जांच नहीं होती, लेकिन फिर भी देश में कलर ब्लाइंडनेस पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे, ट्रैफिक पुलिस, विमानन सेवा, शिपिंग कारपोरेशन या सेना के तीनों जल थल वायु इनमें सेवा में नहीं रखा जाता। जरा सोचिए किस तरह रंग न दिखाई देने के कारण जिंदगी बेरंग हो जाती है। इस लाइलाज असाध्य जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। अच्छा, आप अपने अक्षर वगैरह पढ़ने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? 73। बहुत बढ़िया, जीवन की राह ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है बेटा, संभल के। बधाई हो, बधाई हो, इसी तरह लगे रहिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन, दुनिया का कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता। ओके, वेलकम। तो आइए संपर्क करते हैं डॉक्टर ऋषभ। इस बीमारी से पीड़ित मरीज जो पूर्व में कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होने के कारण भारतीय शासकीय सेवाओं से अयोग्य घोषित कर दिए गए, जो कि आज डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से 100% ठीक हो चुके हैं और उन्हें भारतीय शासकीय सेवा में योग्य यानी कि फिट माना गया। हमारा रिजल्ट आ गया ग्वालियर से? हाँ सर, आ गया। तो वहां से आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, अभी तो फिट कर गया। ग्वालियर में आपको सिलेक्शन लेटर दिया हुआ है? हाँ, फिट रिपोर्ट दे दिए। फिट रिपोर्ट। अब और अन्य कई पीड़ित लोग रंग पहचानने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए संपर्क करते हैं डॉक्टर ऋषभ। कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, सिर्फ हो सकता है। देश के दिल
मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।